विंटर्स में जनरली हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और काफी इचिनेस और फ्लेकीनेस भी फील होती है, स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए. उनकी स्किन एक तो पहले से ही ड्राई होती है और उसके बाद विंटर्स में मॉइस्चर की कमी की वजह से उनको और ज्यादा ड्राइनेस लगती है. तो आज जो मैं प्रोडक्ट्स आपसे शेयर करने वाली हूँ वो स्पेशली ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए हैं. ये आपके लिए एक गेम चेंजर की तरह भी काम करेंगे. सो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम मेघना है. मैं मेकअप, स्किन केयर, ब्यूटी, लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ. वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आप मेरे को जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. चलिए वीडियो शुरू करते हैं. क्लेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फेस के लिए, चाहे वो मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन हो या नाइट स्किन केयर रूटीन हो. तो सबसे पहले जो मैं आपको क्लेंजर सजेस्ट करने वाली हूँ वो है ये डी वॉश का मॉइस्चराइजिंग फेशियल वॉश. ये बहुत ही अच्छा फेशियल वॉश है एंड ये स्पेशली रिकमेंडेड है फॉर ड्राई स्किन. क्योंकि ये क्रीमी टेक्सचर का है तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू फॉर ऑयली स्किन टाइप. अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है, फ्लेकीनेस आ जाती है ड्यूरिंग विंटर्स, तो ये वाला फेशियल वॉश आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए एंड काफी अच्छा है. आपको 70 ml ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है और 499 rupees, विच इज वर्थ द डील एंड दिस इज एनरिच्ड विद बटर्स, ऑयल्स एंड विटामिन्स. बहुत ही अच्छा है, मैंने पर्सनली ट्राई किया है. क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन नहीं है तो मेरे को ज्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ, बट क्योंकि मेरी सिस्टर की ड्राई स्किन है उसने ये ट्राई किया एंड इट फेल्ट लाइक मैजिक. उसकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं लग रही थी, मॉइस्चराइज लग रही थी और हाइड्रेटेड लग रही थी. तो अगर आपकी स्किन ड्राइंग है और आपको विंटर्स में प्रॉब्लम होती है, आप एक अच्छा फेशियल क्लेंजर देख रहे हो, तो दिस वन इज द थिंग दैट यू शुड गो फॉर. ये बहुत ही अच्छा क्लेंजर है. प्लस सबसे अच्छी इस फेस वॉश की बात ये है कि दैट दिस इज पैराबेन फ्री. तो ये आपके फेस पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं देगा एंड बहुत ही अच्छा वर्क करेगा आपकी स्किन के ऊपर. नेक्स्ट जिस प्रोडक्ट की मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है ये फेशियल क्रीम. दिस इज द लिपिड्स फेशियल क्रीम. एज द नेम सजेस्ट, ये क्रीम हमारे लिपिड्स को रिपेयर करती है. वॉट आर लिपिड्स? लिपिड्स होते हैं हमारे स्किन के नेचुरल फैट जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम आउटसाइड केमिकल्स एंड डर्ट. तो ये स्किन बैरियर को रिस्टोर करती है, हमारे लिपिड्स को रिस्टोर करती है. इसके अंदर हाइड्रोलोनिक एसिड है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को ग्लोइंग एंड प्लम्पी बनाता है. प्लस ये स्पेशली रिकमेंडेड है फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन बिकॉज दिस हैज इनफ मॉइस्चर कि ये आपको आराम से इनफ मॉइस्चर दे देगी आपकी स्किन को कि आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राइंग फील नहीं. यू गेट 50 grams ऑफ प्रोडक्ट फॉर 220 rupees, विच इज रियली नाइस. बट इसकी एक चीज मुझे पसंद नहीं आई कि इसमें एक ना मेडिकेटेड स्मेल है इसका. ये बहुत ही ज्यादा क्रीमी टेक्स्चर है एंड बहुत ही अच्छा टेक्स्चर है. हाउ एवर मेरे को इसकी स्मेल नहीं पसंद आई बिकॉज शायद ये बहुत ज्यादा मेडिकेटेड है या आई डोंट नो कि क्या है, बट इसमें थोड़ी सी मेडिकेटेड स्मेल है विच आई पर्सनली डोंट लाइक. बट दिस वर्क्स एज मैजिक. बहुत ही अच्छे से हमारी स्किन को रिपेयर करती है, हमारे जो लिपिड्स ब्रेक हो जाते हैं उनको रिपेयर करती है, रिस्टोर करती है हमारे स्किन बैरियर को. सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस टू यू गाइज कि अगर आप एक विंटर स्किन केयर किट ढूंढ रहे हो तो आप ये वाली किट ई मेगा मार्ट से डेफिनेटली ले सकते हो. नेक्स्ट जिस प्रोडक्ट की मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है ये मॉइस्चराइजिंग लोशन. ये ड्राई स्किन वालों के साथ क्या नॉर्मली हर स्किन वालों के साथ फील होता है कि आपको विंटर्स में आपके स्पेशली हैंड्स, लेग्स बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फ्लेकीनेस आ जाती है. आप कितना भी बॉडी लोशन लगा लो ना, आपको लगता है यार बार बार लगाते रहो क्योंकि इतनी ज्यादा ड्राइंग फील होती है. बट आई हैव अ सोल्यूशन फॉर दिस. ये वाला हाइड्रोफिल हाइड्रेटिंग फील पैराबेन फ्री मॉइस्चराइजिंग लोशन है. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द ई मेगा मार्ट विंटर स्किन केयर किट एंड ये बहुत ही अच्छा है. इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है. ये मैं पर्सनली बहुत ज्यादा यूज करती हूँ. लुक एट द टेक्स्चर, बहुत ही क्रीमी है, बहुत ही लिक्विडी है एंड काफी अच्छा वर्क करता है. प्लस इसमें मॉइस्चर भर भर के है. एंड टॉकिंग अबाउट द स्मेल, ओ माई गॉड, इसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा अच्छी है. प्लस आई रियली लाइक द प्रोडक्ट. सो मैं तो इस लोशन को डेफिनेटली यूज करने वाली हूँ बिकॉज आई एम रियली लाइकिंग द फ्रेग्रेंस एंड द टेक्स्चर. बहुत ही अच्छा है. तो अगर आप एक अफोर्डेबल लोशन ढूंढना चाह रहे हो ड्राई स्किन के लिए तो देन दिस इज द वन दैट यू शुड गो फॉर. इसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 100 ml ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है एंड ये रिटेल करता है फॉर 175 rupees, विच इज सुपर अफोर्डेबल एंड सुपर गुड. तो ये वाला आप प्रोडक्ट डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे सेंट मी दिस बेदिंग सोप एंड दिस हैज वीट जम ऑयल, एलोवेरा ऑयल एंड आलमंड ऑयल. यू गेट 100 grams ऑफ सोप.
आई रियली लाइक द फ्रेग्रेंस. मेरे को समवेयर ये जो फ्रेग्रेंस है ना, ये प्योर साबुन की तरह लग रही है. एंड आई रियली लाइक इट. मैंने इसको यूज़ भी किया हुआ है. अगर मैं आपको उसको खोल के दिखाऊँ तो यू कैन सी कि ये काफ़ी ज़्यादा यूज है. बिकॉज मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया हुआ है बिकॉज आई रियली लाइक इट. काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है, काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर और हाइड्रेटेड फील देता है आपको. तो ये भी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. ये इस टाइप की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है एंड ये 100 ग्राम्स का सोप है एंड दिस रिटेल्स फॉर 110 रुपीज़. सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड परचेज दीज. सो ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे को ई मेगा मार्ट ने भेजे थे एंड आई रियली लाइक देम. सो होपफुली अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा. और अगर आपको एक मिंटर स्किन केयर किट ढूंढनी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर ये परचेज कर सकते हो. तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. बाय गाइज.